गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आत्माओं, उस परम पिता ने इतने दुख क्यों उठाए? आप इतनी भांग पी चुके हो, आपका कहे तभी असर ना होता। इतनी चढ़ रही है अपने सब कह, हमने ये बेटा बेटी कार कोठी और ये फैक्ट्री दिखाई देती है और परमात्मा हमें बताते हैं तुम प्रतिदिन देख रहे हो, अरबपति हेलीकॉप्टर में पड़कर मर गए, वह कंपनी भी आड़े रहेगी और कोठी बेटी बेटा भी आड़े यहीं रह गए और वो गधा बना खड़ा है और फिर भी आंख नहीं खुलती, क्योंकि पहले तो हमें रास्ता नहीं पता था, तब तो हमारी व्यवस्था थी, अब परमात्मा ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अब परमेश्वर कहते हैं अब भी तुम नहीं चलोगे इस मार्ग पर, फिर बच्चों मेरा दोष नहीं। फिर पुण्यात्माओं, फिर इसी प्रकार चौथे युग में ही ये दाव लगेगा जो आज आपका लगा ना, यू ज्ञान यू भगवान कदे सपने में भी ना सुना था और आज सार्वजनिक हो रहा है। परमात्मा आप धकेत है, अब भी ये काल के दूत काल प्रेरणा से कोशिश कर रहे थे कि हम इसको दबा दें, ये ज्ञान ऊपर ना वक़्त तुम्हारी दुकान बंद हो जाए, लेकिन अब परमात्मा का आदेश है, अब इसको कोई रोकने की चेष्टा करेगा, इसमें कोई बाधा करेगा, इस मार्ग में कोई रोड़ा बनकर खड़ा होगा, वो तो ऐसा होगा जैसे अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा हो। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा हो गया, उधर से ट्रेन का आना हो गया और वह दूर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज उसने आहट सुनी, उसने सोचा तुझे कोई डिस्टर्ब करना चाहता है। अंधे की अंतकरण का बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसने देख लिया कि इधर से गड़बड़ी दिखे है, उसने उधर दोनों पैर कर लिए पछले और नो सोच ली कान देश ने निकट दोनों लात मारूंगा इसके, कहाँ आ गई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही वो ट्रेन निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों दलोती मारी और वो ठा के पटक दिया, तीन टुकड़े कर दिए। तो जो अंधा गधा था कौन? अरण्यकश्यपु था। अंधा गधा कौन था? कंस था। अंधा गधा कौन था? रावण था। और भी अब जो इस मार्ग में बाधा कर रहे हैं वो भी अंधे ही गधे हैं। अब ये तो परमात्मा की पटड़ी पर, इस मालिक के मार्ग में कोई आकर बकवाद करेगा तो दाता उसको बक्समा करेगा नहीं, अब ये पूरे विश्व में जाएगा। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार की लीलाओं को देखकर सब ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली रख दिया। परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी अपने पिता के साथ, नहीं ये दुश्मन है समाज का, इसका और मेरा संस्कार केवल 12 वर्ष तक का था, अगर मेरा जीवन नहीं था मनुष्य का, उस बेटी ने खड़ा होकर के सबको बता, और मुझे अपना पिता मिल गया, कबीर परमेश्वर के चरणों में शीश टेक दिया, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे पिता हो, आप कुल के मालिक हो। अब उस लड़की को परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखा और उसको भक्ति मार्ग पर आरूढ़ किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस तरह के लीलाएं देखकर और परमेश्वर ने एक एक दिन में 100-100 जगह प्रकट होकर ये सत्संग सुनाए, अपने बच्चों को सुख दिया। आज तो ये टेलीविज़न चल पड़ेगी तो एक दिन में चाहे 1 करोड़ जगह बोल ले एक आदमी, और उस समय तो कोई ऐसा मीडिया भी नहीं था, ना कोई लाउड स्पीकर थे, ना कोई ऐसा जो है ना ब्रॉडकास्ट का ऐसा विकसित साधन थे। उस समय परमात्मा के 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर के, वो कोई ज्ञान से नहीं हुए थे, वो दयालु। कहते हैं उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक धर्म आविश्य विवृति अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में
और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में दो बार प्रमाण दिया है, अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है परमात्मा, सहशरीर है परमात्मा का शरीर है, वो साकार है। फिर दो इसलिए बोला है कि वो परमात्मा एक रूप में तो वहाँ रहता है अपने मेन सत मतलब सतलोक के अंदर एक सिंहासन पर विराजमान रहता है, अपना ही अन्य रूप धारण करके वो शिशु रूप धारण करता है और वहाँ भी रहता है। और तीसरा ये ऐसे आता है परमात्मा, कहीं भी प्रकट हो जाता है, हो जाते हैं और अपना कुछ राहत दे करके और फिर अपने सतलोक चले जाते हैं। तो उसमें लिखा है कि वो विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, त्वा माने उस परमेश्वर का, सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए उस परमात्मा का धारण पोषण करने का वो कौन सा तरीका है? आप जी को सत भक्ति मंत्र दे के और अपना आशीर्वाद से अपनी तीम से आपको सुखी करके, आपके पापों का नाश करके अपनी तरफ से फर्स्टली आप परमात्मा कुछ पुण्य अपने तरफ से आपको फीड कर देता है। और फिर आपसे कहा जाता है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो, ये भक्ति कर, इस तरह की क्रियाएं कर, तू सुखी होगा। तो 64 लाख शिष्य हो गए थे भगवान के और उनका इतने सुख हो गए थे, सारे दुखी थे, किसी का कोई कष्ट था, किसी का कोई कष्ट था, कोई किसी हाहाकार माच रहे थे, किसी का भूत कूदे थे, किसी का कुछ हो रहा था। अब वो सबको एक बार रिचार्ज कर गए परमात्मा, लेकिन हम ज्ञान आधार नहीं था हमारा, हमने केवल भौतिक सुखों को ही आधार मान के परमात्मा को मान रखा था कि ये हमारा गुरुजी बहुत अच्छे हैं और बहुत राहत देते हैं। हमने भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित नहीं थे और हमारे पूर्वज जो उस समय हम इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था और अक्षर ज्ञान केवल एक ब्राह्मण वर्ग को होता था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार। और इन्होंने वेदों और पुराणों को समझा नहीं और परमात्मा यही ज्ञान जो दास आपको बता रहे थे 600 वर्ष पहले यही ज्ञान बताया करते थे, इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये वेदों पुराणों और गीता के बारे में क्या जाने, ये झूठा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। और पुण्यात्माओं एक और काल का जाल है, परमात्मा तो सुख देगा ही देगा आपको, वो तो सुख सागर है, लेकिन जब आपको राहत मिल जाती है, सुख हो जाता है, तो आप भगवान से दूर अवश्य हो जाते हो। ये एक बट नेचुरल है, दुखी इंसान भगवान को चाहता है और थोड़ा सा सुख होते ही फिर अंडी पाक जाता है। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणिका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोके और उस अपने मकान के झांकी के सहारे बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा, उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, ओए होए मुझे करुणा के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहाँ पर ऊंची आवाज में, रात का समय, शांत मौसम, दूर तक तो आवाज जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैश्या हूँ, ये भगवान मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कलजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है? अब नाम ले लिया, अब उसका तो भूख जाएगी भगवान की भक्ति की, जहाँ भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुँच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं, उनकी कुछ दिनों के बाद वो
अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैश्य आती है सत्संग में गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। दो चार भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा बेटी बात क्या है, उसने बताई जी मैं अब मैं क्या करूँ, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर, मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था भाई कुश्ती हो वै संत बंदगी कीजियो, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी को डीबी भक्त है भगवान की भक्ति करता उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना प्यार से रखना, और चाहे कोई वैश्य है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़फ है सच्ची लगन है उसके हृदय में चाह है तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी यानी चोर डाकू लुटेरा अब दुष्कर्मी तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा है तो उसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा, जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले, एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो। अब सभी ने बताया जी ये बहुत दुष्टा है, ये उल्टा है, ये दुराचारिणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारिणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भी एक एक पत्थर उठा लो सारे और इसका पत्थर मैं कहूँ वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो और जिसने कभी ऐसा पाप ना करा हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो ये आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत है। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए वहीं पर, कोई मारन की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्मा और परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया पर वो बुद्धि भ्रष्ट मान्य को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था और सुख में ये बकवाद दबाया करें। फिर परमात्मा क्या करते, कहने लगे बेटी मैं तेरे घर पर आया करूँगा। अब परमात्मा उस लड़की के पास जाने लगे, आंगन में बैठ जाते, गली के क्वाड खुले छोड़ के, और उस बेटी को ज्ञान सुनाया करते थे। अब और ज़्यादा सुरसुर सुरसुर हो गई पूरे संगत में, वह गुरु जी तब बुढ़ापे में बिगड़ गए, इन दकती नाश कर दिया, अपनी अपनी अकल प्रयोग करने लगे और जो गुरु जी के बारे में ऐसा कह दिया वो तो फिर गुरु जी का गुरु हो गया। अब परमात्मा ने सोचा भाई लाइन की फड़क काट दूँ और ये भी पिछोड़ देख लूँ कितने से ये भगत से ये सुख मेरे से प्राप्त करने से इनका लाभ हुआ इसलिए मैंने मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं, क्या इन्होंने मुझे समझा भी है कि नहीं, कितनों ने समझा है। परमात्मा ने कहा कि उस लड़की से बेटी तू एक काम कर, कल हमारे साथ चलना है, ऐसे ऐसे करना है, सारे आभूषण पहन ले जैसे तू पहले करती थी, सब अपना ये लिपस्टिक विपस्टिक ला कर पूरी तैयार होकर जाना जो पिताजी आपकी आज्ञा। उधर से अपने शिष्य रविदास जी से कबीर जी ने कहा कि एक हाथी किराए पर ले ले एक दिन का, और ले लिया किराए पर हाथी, गंगा जल भर लिया परमात्मा कबीर जी ने बोतल में पारदर्शक बोतल में, हाथी आकड़िया हाथी का पीलवान तो बन गए रविदास जी, और बीच में बिठैली वाली लड़की वो वैसा सुप्रसिद्ध सारे काशी जानता था उसको, और कबीर जी बैठ के पिछली साइड में, और उस लड़की के कंधे पर धर लिया परमात्मा ने नो,
और एक हाथ में वो गंगा जल शराब की तरह पी हुए और न्यू कर बैठे बैठे। उसने कह दिया परमात्मा ने रविदास जी को कि साथी ने उस मेन बाजार में काट दे, और मेन बाजार में निकाल दिया। अब जो भी देखेगा रही यू केसरेआम ड्रामा हो रहा है, जो कहो तो कबीर है भाई, कबीर वो दानक जो लहा, और उन कबीर जी परमात्मा के शिष्य बहुत थे वहाँ पर, उनको लियाँ बुला बुला के आ जाओ, हम तो पहले कहा करते वहाँ ऐसे जाते हैं वैसे आए जाती हैं, आज देख लो शराब के नशे में इसने ये बिना पता तू कहाँ क्या वैश्यावर्ती कर रहा है, ये तुम्हारा गुरु। अब वो बुद्धि भ्रष्ट शिष्य जो सा भी देखे नौके मैं तो कदे कदे जाया करता, कोई नौके मन तो कई दिन तो नाम छोड़ रखा था, एक आधा नौके मैं तो फलाना ले गया था, एक दिन गया था, मेरा कोई ना गुरु घर। अब कहने का भाव ये है परमात्मा कि इस लीला को देखकर वो 64 लाख विमुख हो गए, कुछ तो लोग लाज के मारे संपर्क तोड़ गए परमात्मा थे। एक अर्जुन सर्जुन नाम के दो भगत थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो वापस आए तो सारे भक्तों ने कहा भाई गुरु जी का तो दिमाग चल गया, गुरु जी ने तो जुल्म कर दिया, सरेआम वैश्या वर्ती कर रहे थे, दारू पीने लग गए थे और एक वैश्या को लेकर हाथी पर घूम रहे थे, उनका ना जची या बात अगवाई, तुम गुरु जी के बारे में तुम ये शब्द कह रहे हो तुम्हारी जुबान कट जाएगी, अरे ऐसे महापुरुष के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी कहाँ बुद्धि चली गई, कौन से पाताल में तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या बकवाद कर रहे हो, शराब तुमने पी रखी है क्या, उन्होंने बहुत कहा। लेकिन वह उनके शिष्य दूसरे थे, उन्होंने बोले तो आप न बेरा पट जाएगा, श्याम न चले जाना, वहाँ पर उस वैश्या के घर मिलेंगे आपको। अब उस बेटी की भावना देखकर परमात्मा वहीं पहुंच गया, उन दोनों को भी पिछोड़ना था मालिक ने, उनकी भी पिछोड़ करनी थी, जांच करनी थी ये कितने गए, तो जाकर देखा अर्जुन सर्जुन ने गली में से निकले, सामने का गेट खुला गली वाला, सामने परमात्मा बैठे चारपाई पर, वो लड़की बैठी नीचे जमीन पर और सतगुरु के पैर दबा रही। अर्जुन सर्जुन एक बात आगे निकल गए, आगे निकल गए, फिर देखा गुरु जी बैठे, भाई तो बात बिगड़ गई। दोनों ने सोचा चल गुरुजी को कुछ प्रार्थना करते हैं, आकर के अंदर कहने लगे गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो एक बदनाम औरत का द्वार है। परमात्मा कहने लगे अर्जुन सर्जुन तुम मेरे शिष्य नहीं रहे बेटा, आज तुम मेरे गुरु होगे जब गुरुजी को राय दे रहे हो, अर्जा भाग जाओ दुष्टो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी है। परमात्मा ने कहा कि ऊंच नीच में हम रहें ये तो मेरे लिए तो हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने, और कहा कि तुम जाओ भाग जाओ यहां से। अब उनकी तो वो कुछ अच्छी संस्कारी हंस थे, वही बैठ गए पेट पकड़ के, अक हमने गलती कर दी भगवान, हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि चल गई, अरे निकम्मे, जब मेरे से इतना लाभ तुमको मिल रहा था जब तुम भगवान था, हैं अब मैं दुष्ट हो गया, इतनी अकल भी काम नहीं कर रही, तुम्हारे मुर्दे तक जीत दे करे, तुम्हारी हर तरह से लाभ मिला। तो अर्जुन सर्जुन बैठ के नहीं बोले भगवान हम पापियों का उद्धार भी हो सकता है, परमात्मा बोले अब इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कितनी बात बना लो अब तुम्हारे अंदर वो लगाव मेरे प्रति बन नहीं सकता, क्योंकि आपके हृदय में ये जमा हो चुकी है गुरु जी आप गलत बैठे, और किसी के जच्चे भी कोई ना इस अतिथि में, तो जच वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन में, चाहे कोई सारा समाज कह ले, आज इस दास के साथ वही लीला हुई क्रोथा कांड, परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी और बात जीरो भी कोई ना, गुंडा गद्दी करते थे आश्रम में, न्यू करते थे और न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया, यह लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए, लेकिन आप इतनी पुण्यात्मा थी और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहाँ मार खाते ये फाउल पॉइंट आपका याद भी थे, इस कारण से आज आप सफल हुए और उसका ये परिणाम देख रहे हैं।
पहले से कई गुणा परमात्मा की प्यारी आत्माएं उमड़ कर आई हैं, आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे और इसका ये परिणाम हुआ। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।